हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देविका और आप देख रहे हैं कपल्स क्रिएटिव अड्डा। और आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी 26 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 2 की। जी हाँ, थ्रिलर, एक्शन और क्राइम से भरी इस सीरीज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मचा के रख दिया है। एक मर्डर केस सॉल्व होने से पहले दूसरा मर्डर हो जाता है और दूसरे से पहले तीसरा, एक के बाद एक ब्रूटली मर्डर का सिलसिला चलता ही रहता है और जिसमें शक जाता है कच्चा बनियान गैंग को। जी हाँ, 90 के दशक में पूरे भारत में काफी एक्टिव था ये कच्चा बनियान गैंग और शायद इसी की वापसी फिर से हो गई थी, जो कि दिल्ली में बुजुर्ग लोगों को अपना टारगेट बनाता है। हाँ बस बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, मगर रुको जरा, कहानी में ट्विस्ट है। मैंने भी यही सोचा था कि शायद ये काम कच्चा बनियान गैंग का है, मगर यहाँ तो कुछ और ही निकला। तो वो किलर कौन था, इसके लिए देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो सीरीज की शुरुआत होती है शेफाली शाह, जो कि लीड रोल में आपको नजर आएंगी, उनके एक दमदार डायलॉग से जिसे लिखा है संयुक्ता चावला शेख और विराट बसोया ने। दिल्ली क्राइम सीजन 2 को डायरेक्ट किया है तनुज चोपड़ा ने और इसके राइटर हैं मयंक तिवारी और शुभ्रा स्वरूप। अब हम बात करते हैं कास्टिंग की। तो फिल्म में डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के मुख्य किरदार में नजर आएंगी शेफाली शाह और उनकी एक्टिंग कैसी है ये तो हम सीजन 1 में देख ही चुके हैं और उनकी एक्टिंग को जज करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है दोस्तों। इसके अलावा इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह का किरदार निभाने वाले राजेश तैलंग भी लोगों को अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस करने में काफी कामयाब रहे हैं और मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। होप सो कि आप भी मेरी राय से जरूर इत्तेफाक रखेंगे। इसके साथ ही आपको सीरीज में नजर आएंगी मिर्जापुर फेम रसिका दुग्गल, जो कि आईपीएस ट्रेनी नीति सिंह का किरदार निभा रही हैं और उनकी एक्टिंग मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगी। काफी सुस्त सा उन्होंने किरदार निभाया है, जो कि न्यूली मैरिड हैं और इस केस की वजह से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में झूलती नजर आ रही। फिल्म में नीति सिंह अपने पति की फोन कॉल से काफी परेशान दिखाई देती हैं। अरे भैया, क्यों 75 बार कॉल करते हो, पुलिस में है वो, कैसे पकौड़े खिलाएगी तुमको, पूरा रोल खा गए उसका तुम। तो मुझे उनके किरदार में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, बाकी ये मेरी अपनी राय है। सीरीज में वैम्प का रोल निभाने वाली साइको किलर लेडी के किरदार को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वो कौन है ये मैं बताऊंगी आपको। उन्होंने भी अपने वैम्प के किरदार को बखूबी निभाया है। इसके अलावा एक बहुत फनी सा बढ़िया कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, दादी का। अरे दादी जी, तुसी ग्रेट हो, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है दादी, थोड़ी देर के लिए सही, बट वीरेन चड्ढा का किरदार भी आपको काफी इंप्रेस करेगा, जो कि एक रिटायर्ड एसएचयू हैं और जिन्हें इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स को पकड़ने का खास एक्सपीरियंस है, इसलिए उन्हें इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है और उन्होंने फुल पुलिसी अंदाज में माँ बहन की है, जो कि देखने लायक है। अब बात करते हैं म्यूजिक की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉन्ग तो शायद ही हमें देखने को मिले सीरीज में, हाँ फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो काफी परफेक्टली यूज किया गया है। स्क्रीन प्ले इज ऑल्सो गुड। अब बात करते हैं सीरीज की कहानी की। तो कहानी में काफी ट्विस्ट है। तो 40 से 50 मिनट के 5 एपिसोड में सिमटी इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि 90 के दशक में पूरे भारत में एक्टिव कच्चा बनियान गैंग एक बार फिर दिल्ली के पॉश एरिया में रहने वाले बुजुर्ग लोगों को अपना टारगेट बनाता है। ये गैंग अपनी बॉडी पर तेल लगाकर लूटपाट और हत्या की घटनाओं को अंजाम देता था और इन घटनाओं के चलते लोग इतना डर गए थे कि अपने वॉचमैन, माली, ड्राइवर, घरेलू नौकरों, यहाँ तक कि असिस्टेंट मैनेजर को भी फायर करने लगे थे। तो ये एक अलग प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि आखिर किसी एक की गलती की सजा सबको क्यों दी जा रही है। आधे फिल्म निकल जाएगी और आपको भी सबकी तरह यही लगेगा कि ये काम कच्चा बनियान गैंग का है और शायद इसीलिए पुलिस भी गुमराह हो जाती है और वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स को ही ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश जुटा देती है। ये गैंग बड़ी चालाकी से कच्चा बनियान गैंग के सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी करता है ताकि पुलिस का पूरा शक कच्चा बनियान गैंग पर, मगर यहीं पर कहानी में होता है ट्विस्ट। ये कांड तो कोई और ही कर रहा था, एक नॉर्मल से पार्लर में काम करने वाली एक साइको किलर लेडी का ये सारा प्लान होता है, मास्टरमाइंड थी। जी हाँ, इस गैंग में कुल 4 लोग होते हैं जिसमें एक लड़की भी होती है। सारी वारदातों के पीछे इसी बंदी का क्रिमिनल माइंड था। जी हाँ, जो कि एक पार्लर में काम करती थी जिसके सपने बहुत बड़े थे और एक बड़ा आलिशान सा खुद का पार्लर खोलना चाहती थी। इसके लिए वो जिस पार्लर में काम करती थी वहां आने वाली
अमीर बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी। अगर क्राइम करने वाला कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई सबूत, कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है और आखिर एक गलती इनसे भी होती है। वो कहते हैं ना कि ज्यादा लालच बुरी बला है, तो इस लालच के चलते आखिर वो पकड़ी जाती है। मुझे तो इस सीरीज का क्लाइमेक्स और ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा और मैं सीरीज को देती हूँ 5 में से 4 स्टार। आप भी सीरीज को जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा आज का ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए चाहती हूँ मैं, क्योंकि महारानी का भी तो रिव्यू बनाना है यार, ला रही हूँ बस।